हेलो दोस्तों आपने बहुत ही शानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ जो अभी अभी आपका एमपी जेल प्रहरी का पेपर हुआ है दोस्तों काफ़ी आसान पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों हंड्रेड गारंटी देता हूँ आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे वीडियो पूरा देखने पर अगली शिफ्ट में यहाँ से आपके दस से बारह सवाल रिपीट करने वाले हैं वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना है देख लेते गए एक एक सवाल देख लेते हैं जो भी मुझे बच्चों ने बताए हैं हंड्रेड रियल सवाल है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देख लेते हैं एक एक सवाल को तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे देख लेते क्या क्या सवाल देख लेते एक-एक सवाल को। तो दोस्तों आपका पहले में 100 परसेंट रियल सवाल है जो भी आपके पहले शिफ्ट में सवाल पूछेगा हंड्रेड परसेंट रियल सवाल है एक एक सवाल को देख लेते हैं तो दोस्तों पहला सवाल आपका पूछा गया निर्वाचित सीएम शिवराज चौहान द्वारा किस मध्य किसे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है तो दोस्तों ये किसको किया गया है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे यहाँ पर ए ऑप्शन मार गए इकबाल सिंह बैंस आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते गाइस अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी पूछा गया पश्चिम मध्य रेलवे के कोच पुनर्वास कार्यशाला मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में डॉक्टर और कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चरक चरक बूथ आपका बनाया गया है ताकि दोस्तों लोगों के बीच में जो संपर्क है मरीज के बीच में जो संपर्क है उसको ख़त्म करने के लिए डी ऑप्शन जो बच्चे मार गए उनका राइट आंसर हो गया दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करते हुए जरूर चलना है एक, एक एक सवाल देख लेते हैं एक सवाल आपका यह भी पूछा गया मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन योद्धा कल्याण योजना का उद्देश्य किसे लाभान्वित करने के लिए है तो दोस्तों किसको लाभान्वित करने के लिए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कार्य कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी सहायकों को यानी डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ए और बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे देख लेते गए अगले सवाल अगला इंपॉर्टेंट सवाल भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर 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 पर मास्क बनाकर कमाने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो दोस्तों इस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका यह भी पूछा गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोगों से सल... रोगों से लड़ने के लिए लोगों की पर... लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो दोस्तों इस योजना का नाम है आपका ट्वेंटी एट का राइट आंसर हो जाएगा जीवन अमृत योजना जो बच्चे सी ऑप्शन मार गए उनका राइट आंसर हो गया पहली शिफ्ट के हंड्रेड परसेंट रियल सवाल है वीडियो को पूरा देखना है देख लेतेगा गाइस एक एक सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया मध्यान्ह भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ये ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों इस वीडियो में आपके मैथ के भी सवाल है रीजनिंग के भी हिंदी के भी साइंस के भी और आपके जीके के भी सवाल हैं वीडियो को देख लेते आगे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चला एक सवाल ये भी पूछा गया हुमायूं नामक की रचना किसने की थी तो दोस्तों ये की थी गुलबदन बेगम ने देख लेते गाइस अगला इंपॉर्टेंट सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी तो दोस्तों ये हुई थी पंद्रह सौ छब्बीस में पंद्रह सौ छब्बीस इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते गाइस अगला इंपॉर्टेंट सवाल एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र कहां पर है तो दोस्तों यह आपका सूरत में है देख लेते अगला सवाल एक सवाल यह भी पूछा गया चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है तो दोस्तों ये जाता है? उम्रा। उम्रा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका विज्ञान का सवाल है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल यह पूछा गया इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है यह आपका बैडमिंटन है इंडोनेशिया का जो एक राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन देख लेते गा अगला सवाल दोस्तों जो भी मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूं मैथ और तो रीजनिंग की सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं वीडियो अंत तक देखेंगे प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के लिए फोटो रिसेप्टर किस तत्व के लिए बने होते हैं तो दोस्तों ये बने होते हैं अनाकार सिलिकॉन के देख लेते गए अगला सवाल दोस्तों पेपर काफ़ी आसान था आप लोगों का पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है भाकड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है तो दोस्तों यह सतलुज नदी पर है देख लेते गए अगला सवाल एक सवाल आपका यह भी पूछा गया किस भारतीय ने दो बार ओस्कर जीता है तो दोस्तों यह जीता है ए आर रहमान ने ए आर रहमान इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल यह भी पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो दोस्तों इनका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन देख लेते गए अगला इंपॉर्टेंट सवाल अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों एक सवाल यह भी आपका पूछा गया लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ तो दोस्तों यह हुआ उन्नीस सौ बावन नाइनटीन फिफ्टी टू इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते गए अगला इंपॉर्टेंट सवाल एक सवाल यह भी पूछा गया ये आपका हिंदी से पूछा गया चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है तो दोस्तों इनका नाम है जयशंकर प्रसाद देख लेते हैं अगला सवाल सवाल एक यह भी पूछा गया भारत भारती के रचनाकार कौन है तो दोस्तों इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त तो आपका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना यह चैनल ट्रिक के लिए बहुत फेमस है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक सवाल यह भी बेहतरीन पूछा गया कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का नाम है तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक नाम है कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक नाम है यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन है देख लेते हैं अगला सवाल उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा तो दोस्तों ये होगा प्लस चारण तो दोस्तों ये जितने भी हिंदी के सवाल मुझे मिले थे मैं आपके लिए लेकर आ गया था अब बढ़ लेते गणित और रीजनिंग भी देख लेते जल्दी से यह गणित का सवाल पूछा गया पांच संख्याओं का औसत कितना होगा इन पांच संख्याओं का तो दोस्तों जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा आठ और पांच तेरह तेरह और बारह पच्चीस और पंद्रह चालीस चालीस को भाग कर दें कितनी संख्या है? टोटल पांच तो दोस्तों पांच से भाग कर देंगे आपका आ जाएगा राइट आंसर आठ जो यह संख्या दी गई है इनका औसत आ जाएगा आठ देख लेते क्या अगला सवाल एक सवाल यह भी पूछा गया पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत बताएं तो दोस्तों यहां से आपका क्या होगा लाभ होगा पांच वस्तुओं दो वस्तुओं का लाभ होता है उसको क्योंकि दोस्तों तीन पांच में से तीन जाएगा दो कितने पर पांच पर गुणा कर देंगे सौ की तो दोस्तों ये आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा पांच से काटेंगे बीस बार बीस की, की गुणा दो में कर देंगे चालीस प्रतिशत आपका यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका लाभ हो जाएगा चालीस प्रतिशत का उसको लाभ होगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका यह भी काफी आसान पूछा गया इसको मैं ट्रिक से करा रहा हूं अनुपात है अनुपात आपका वर्तमान अनुपात है यह आपका वर्तमान है ए और बी के आयु का और दोस्तों तीन वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ग्यारह अनुपात नो हो जाता है तो दोस्तों बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ तो दोस्तों तो क्या करेंगे इनके बीच का अंतर कितना है दो इनके बीच का अंतर है एक तो अंतर बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर तो दो की गुणा कर देंगे नीचे एक की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा जब ऊपर दो की गुणा होगी तो पाँच धूनी दस और चार धूनी आठ नीचे क्या रहेगा जब नीचे एक की गुणा होगी ग्यारह एकम ग्यारह नौ एकम नौ तो दोस्तों आप देख सकते हो अंतर कितने का होगा एक का होगा अंतर अंतर होगा एक का तो दोस्तों जो ये अंतर है ये ये कितना दिया गया है तीन वर्ष बाद तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा तीन को तो दोस्तों अब ये वर्तमान आयु पूछ रहा है बी की तो दोस्तों कैसे निकालेंगे अब वर्तमान हमारी बन गई दस और दस अनुपात आठ तो दोस्तों इसमें से बी कौन सा है ये वाला तो दोस्तों एक की वैल्यू तीन है तो आठ की वैल्यू कितनी होगी आठ की गुणा दोनों साइड कर देंगे यानी चौबीस आ जाएगा तो दोस्तों जो बी का वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी आपकी चौबीस वर्ष चौबीस वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एग्जाम मैट्रिक स्टडी चैनल दोस्तों बहुत बेहतरीन चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों जो भी सवाल बच्चों ने मुझे बताया हंड्रेड परसेंट वे रियल सवाल आपके लिए लेकर आ गया था इस वीडियो में अगर आपको मैथ और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करनी है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लाल कलर का बटन दबाकर जो नीचे की साइड होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एग्जाम मैटिक स्टडी हमारा चैनल है और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए अगली शिफ्ट के लिए आपको गुड लक